हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं और ना जाने कितने ही लोग यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। शिमला एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यह पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है, जहाँ पर आपको ब्रिटिश इरा की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ऊँची और भी बहुत सी देखने के लिए जगहें हैं, जैसे कि द रिज, ब्यूटीफुल व्यूज, जाको टेम्पल, माल रोड। जब भी आप शिमला पहुँचे, वैसे तो शिमला किसी भी साथ अच्छा पहुँचा जा सकता है, लेकिन शिमला जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास टॉय ट्रेन का है। यह ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जिसके लिए आपसे सिर्फ 65 रुपीज़ लिए जाते हैं। शिमला आप जैसे ही पहुँचे, यहाँ पर आपको रिटायरिंग रूम देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये है, और ये आपकी पूरी फैमिली के लिए सफिशेंट है। इसकी बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको अपना PNR नंबर डालना होगा। जब भी आप रूम बुक करने के बाद स्टेशन पर पहुँचे, तो रिफ्रेशमेंट रूम से आप अपने अधिकारी से आप अपनी चाबी ले सकते हैं। चाबी लेने के बाद आपको इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ पर लेफ्ट और राइट में आपको रूम देखने को मिल जाते हैं। ये रूम 101 से लेके 110 तक मिलते हैं। यहाँ पर पूरी साफ सफाई का भी ध्यान विशेष ध्यान रखा जाता है, और नीचे आपके पूरा रेलवे स्टाफ, RPF सब लोग नीचे उनके रूम है, तो कोई वो भी नहीं, डरने की बात नहीं है, पूरा पीसफुल एरिया है। आइए मैं आपको अपना रूम नंबर 104 दिखाता हूँ, जो कि लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर हर रूम के ऊपर उसकी नंबरिंग लिखी होती है, 106, 105 एंड 104। जैसे ही आप रूम के अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं आपको किंग साइज बेड देखने को मिल जाएगा, जिस पे कर्टन्स लगे होंगे। शिमला पे ना आपको AC मिलेगा ना पंखे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर हमेशा ही 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। रूम के अंदर एक ड्रेसिंग टेबल, 4-5 2-3 कंबल मिल जाते हैं, और साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आइए मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ। अटैच वॉशरूम में आपको एक गीज़र, जिससे आप ठंडा गर्म पानी ले सकते हैं, उसके साथ एक वेस्टर्न टॉयलेट, मिरर और वॉश बेसिन मिल जाता है। इस रूम की कीमत सिर्फ 500 रुपये है, और रूम से बाहर आने के बाद, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, तो ये पूरा पीसफुल एरिया है, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे देखने को मिलता है। सभी की सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन इस रूम से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं, तो बाय वॉकिंग डिस्टेंस आप वहाँ पर जा सकते हो। और किसी अलग शहर में जाने के लिए बाहर टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।